ला रहे हैं। पहले एक फोन लाइन पे जुड़ते हुए जयपुर से मुकुट बिहारी वर्मा साहब। वर्मा जी गुड मॉर्निंग, आपका सवाल सर। गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार सर। नमस्ते सर, बताएं। मैं बराबर CNBC बराबर देखता रहता हूं और फॉलो करता रहता हूं इसको सर। थैंक यू सो मच सर। सवाल आज का सर, एक तो आरवी नल है मेरे पास, तो एक सेकेंड, 115 शेयर्स 364 की खरीद, सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल 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 सर। हाँ वो आ गया प्लेट पे। तो पूछू क्या, 200 रुपए का तो बढ़िया मुनाफा हो रहा है, मुनाफा बांधे या बने रहे ऐसे पूछू? हाँ जी हाँ जी। और दूसरा एक शेयर और है HAL का, 25 शेयर है। पहले इस पे आता हूँ, पहले इस पे सर्वेंद क्या करना चाहिए RVNL? देखिए अभी भी बढ़िया मुनाफे में है, मुझे लगता है इनको अराउंड 1/3 मुनाफा या आधा मुनाफा बांधेंगे तो अच्छा रहेगा, कॉस्टिंग इनकी नीचे चली जाएगी। आधा बांधेंगे तो थोड़ा सा अगर ऊपर बेचे होते 600 के आसपास तो मैं मान के चल रहा हूँ ऑलमोस्ट फ्री हो जाता था इनका। बट देखिए आई थिंक उछालों में थोड़ा यहाँ मुनाफा बांधने की डेफिनेटली कोशिश करें, बिकॉज नीचे के लेवल्स पे लेने के लिए मिलेगा। बहुत ज्यादा ओवरबॉट है और बहुत ज्यादा फैंसीड डार्लिंग बाजार का चेहता रहा है, तो ऐसे जगहों पे फिर क्या है जब करेक्शन आते हैं तो 3-6 महीने फिर साइडवेज टू डाउन वाला फेज भी इनको देखना पड़ेगा। तो आई थिंक अभी तो पहला महीना ही है, अभी तो ऑलमोस्ट टॉप के आसपास ही है, थोड़ा मुनाफा बांधे। थोड़ा सा मुनाफा बांधना, थोड़ा मतलब इनके पास 115 है, आधे निकाल दूं या 50 निकाल दूं ऐसा? हाँ आई थिंक आधा निकाल दें, आधे निकाल देंगे तो बाकी की कॉस्टिंग बहुत इनकी अच्छी हो जाएगी। ऑलमोस्ट फ्री, तो फ्री तो नहीं होंगे, 600 के आसपास बेचते तो ऑलमोस्ट फ्री हो जाते, 300 से 600 का आंकड़ा राउंड फिगर लेके चल रहा हूँ। बढ़िया उछालों में निकले या यहाँ पे निकले, थोड़ा निकले मेरे ख्याल से, थोड़ा ड्राई पाउडर कैपिटल थोड़ी सी निकाल लें, एटलीस्ट 3K शेयर छोड़ दें। ओके, आज का बजवर्ड है ड्राई पाउडर, आपको उस बात का ध्यान रखना है, जहां जहां मौके हों वहां पे थोड़ा सा मुनाफा वसूली करके काइश में एंजॉय करें, ऐसा सर्वेंद मानते हैं।